Hello friends, welcome to this video of RBI Assistant 2019 cutoff prediction. RBI Assistant का जो exam है वो 14th and 15th फेब को हुआ है and 4 and 4 total 8 shift में exam हुआ है और near about difficulty level थी वो सभी shift में near about same थी. अगर नहीं भी होंगी तो वो normalization जो process है उसमें सबके मार्क्स इक्वल लेवल पर लेके आते हैं. तो मैंने अभी ये जो प्रेडिक्शन किया है इसके लिए दो तीन बेस है. फर्स्ट बेस है मैंने कुछ पोल्स कंडक्ट किए थे, कुछ स्टूडेंट के साथ मैंने इंटरेक्शन किया है एंड कुछ टेलीग्राम के ग्रुप्स थे वो भी मैंने थोड़ा फॉलो किया एंड नंबर ऑफ सीट्स कितनी है एंड लास्ट ईयर का कट ऑफ क्या था. तो ये 4-5 बेसिस पे मैंने ये प्रेडिक्शन किया है. अभी हम अगले स्लाइड में देखते हैं कि कैसा प्रेडिक्शन होगा. तो ये है 2017 का एक्चुअल कट ऑफ ये एंड दीज आर दी नंबर ऑफ सीट्स और ये है नंबर ऑफ वैकेंसीज इन 2019 और इसका क्या कट ऑफ हो सकता है. तो मैंने इसके लिए प्लस एंड माइनस थ्री का रेंज रखा है. माइनस रेंज इसलिए रखा है क्योंकि जो लोगों का कट ऑफ जो एक्सपेक्टेड स्कोर है इससे कम है वो निराश ना हो और आपका पढ़ाई आप चालू रख सकते हैं. तो सबसे ज़्यादा जो कट ऑफ होगा ये 4 ऑफिसेस के लिए होने की संभावना है. कोलकाता है, न्यू दिल्ली है, पटना, त्रिवेंद्रम, कोची के लिए, क्योंकि यहाँ पर जनरली कॉम्पिटिशन भी ज़्यादा होता है और वैकेंसीज भी कम है. और सबसे जो कम कट ऑफ जाएगा मेरे अंदाजे से वो होगा गुवाहाटी में और मुंबई में, क्योंकि यहाँ पे वैकेंसी ज़्यादा है गुवाहाटी में. लैंग्वेज के वजह से बाकी स्टेट के स्टूडेंट्स वहाँ पे नहीं फिल कर सकते, इसलिए वहाँ पे ये रेंज में कट ऑफ रहेगा और प्लस और माइनस थ्री का रेंज है. तो अब बस ये मुझे काफ़ी सारे स्टूडेंट रिक्वेस्ट भेजते हैं, क्वेरी पूछते हैं बार बार, इसलिए मैंने वीडियो बनाए हैं. लेकिन एक्चुअल क्या आएगा ये कोई बता नहीं सकता. लेकिन इसलिए आप क्या कीजिए, आप मेंस का पढ़ाई चालू कर दीजिए. अभी आपको इमीडिएटली जीए एंड कंप्यूटर की पढ़ाई चालू करनी पड़ेगी क्योंकि मैथ्स, इंग्लिश एंड रीजनिंग आपने प्रीलिम्स के टाइम पे ही अच्छा सा कर लिया होगा. क्योंकि मैंने जो पहला वीडियो था उसमें भी मैंने कहा था कि आपको वो तीनों जो सेक्शन है पहले ही कर लो, यानी कि अभी आपको जितने दिन मिलेंगे 10-15-20 जो दिन है उसमें आपको बस इसी की तैयारी करनी है. तो सबको ऑल द बेस्ट एंड आप पढ़ाई कंटिन्यू रखिए. थैंक यू वेरी मच.